रखते नहीं हैं। लंबे बाल और दाढ़ी तो होते ही हैं। कभी शेर से पूछा है, बब्बर शेर से, कि तेरे इतने लंबे लंबे बाल क्यों हैं मुंह पर? पूछा है? रखते नहीं हैं, होते हैं। रखते तुम हो क्या चिकना चेहरा? तो जवाब तुम्हें देना है कि तुम चिकना चेहरा क्यों रखते हो। संत कुछ नहीं रखता, बाल स्वयं बढ़े हैं, दाढ़ी स्वयं बढ़ी है। हाथी से पूछोगे तुम इतने लंबे कान क्यों रखते हो, वो रखता थोड़े ही है। संत भी भीतर समाधिस्थ होता है, बाहर प्रकृतिस्थ होता है। उसे क्या विरोध है हाथों से कि नाक से कि कान से कि बाल से कि दाढ़ी से? बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाएं, उसको चिकना बन के थोड़ी घूमना है। तुम बताओ तुम्हें चिकना बन के क्यों घूमना है? चिकना बनने की लालसा तो तुम्हारी है। तुम रोज सुबह सुबह घिसते हो, समय लगाते हो, श्रम करते हो। क्यों करते हो भाई इतना श्रम? संत तो बस जैसा है वैसा है। वो हाथी के कान जैसा है, वो शेर के मुंह जैसा है, नदी जैसा है, पहाड़ जैसा है। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब वो कपड़े भी छोड़ देता है। वो कहता है बिल्कुल ही बब्बर शेर हो गए। तो उससे ये थोड़ी पूछोगे कि ये क्या फैशन है नया? ये कोई नया फैशन नहीं है, उसने समस्त फैशनों का त्याग कर दिया। अब वो कह रहा है कुछ नहीं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। ये संतत्व के अनिवार्य लक्षणों में नहीं है कि कपड़ा ऐसा होगा, दाढ़ी ऐसी होगी, बाल ऐसे होंगे, बोलचाल ऐसी होगी। बाल बड़े हो भी सकते हैं और सर घुटा हुआ भी हो सकता है, या साधारण जैसे बाकी लोग बाल कटा कर रखते हैं वैसा भी हो सकता है। ये कोई अनिवार्य बात नहीं है। अनिवार्य तो एक ही होता है, जो अनिवार्य है।